नमस्कार प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तमाम शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि जानते हैं, शिक्षक दिवस पे सभी बच्चे शिक्षक को सम्मानित करते हैं, उपहार स्वरूप कुछ जो भी बन पड़ता है वो गिफ्ट देते हैं। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं, उनको दिखाते हैं। ये है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट जो ग्रुप है, क्लास ट्वेल्थ की लड़कियाँ, ये गिफ्ट दी हैं। देखिए क्या दी हैं, दिखाते हैं आपको इसमें ये गिफ्ट में क्या है। बहुत अच्छा खुल रहा है, देखिए ये क्या है, कुछ लग रहा है अच्छा चीज़। गिफ्ट सभी अच्छे ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं। और ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट ये गणेश जी का है और गणेश चतुर्दशी है कल, शुरुआत गणेश जी से हो रहा, बहुत अच्छी बात है। और इसमें पेन रखने के लिए कलम दान है, तो ये कलम इसमें ऑफिस में आता है, कलम रखने का गिफ्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। चलिए थैंक यू सभी बच्चों को। चलिए पकड़िए इसको, रखिए पैकिंग के लिए इसमें। और ये गिफ्ट है, यहाँ देख रहे हैं आप, इस पर लिखा हुआ मुस्कान कुमारी, क्लास टेंथ का है। तो अब देखिए क्या गिफ्ट है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। जब तक पैकिंग रहता है तब तक खुलबुली रहता है कि खोला जाए क्या है इसमें। भाई बच्चे लोगों का प्लानिंग कितना जबरदस्ती, कितना अच्छा से पैक करवा के, तब देखिए सब देखिए कितना, मतलब ये है शायद, ये क्या है, इसमें क्या रहता है, अच्छा ये कैडबरी का जो चॉकलेट होता है वो, चाहे वो क्या बोलते उसको, डेरी मिल्क सेलिब्रेशन है आज, साथ सेलिब्रेशन फर्स्ट का सेलिब्रेशन है। इसको भी रखिए, इसको भी पक कीजिए जहाँ तक पैक होता कीजिए। और ये क्लास 12 के बॉयज़ लोग दिया था, देखते हैं क्या है ये गिफ्ट, देखते हैं। इसमें बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, चलिए देखिए। तो अब जो है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट के बारे में क्या है। ये गिफ्ट है, ये है आपका 10th क्लास की, ये आपका कोमल कुमारी, 10th क्लास कोमल कुमारी का ये गिफ्ट है। और इसमें क्या है देखिए, तो पहले अनबॉक्सिंग कर दिया लेकिन सब, ये घड़ी है और ये दीवार घड़ी, ऑफिस में सुनना बताता है, बहुत अच्छा कुछ है। सबको पैक करते जाइए। और ये है आपका क्या नाम है, प्रीति कुमारी क्लास 10th का है। और बहुत ही अच्छा प्यारा पैकिंग है ना, पैकिंग लगा मन करा फाड़े ही नहीं, पैकिंग देखने के बाद मन करता है फाड़े ही नहीं, वह फाड़ेंगे तो निकले हैं कैसे, नहीं फाड़ेंगे नहीं तो निकले हैं कैसे, कि क्या है। आओ वाओ, ये अच्छा फोटो फ्रेम है नहीं, पेन भी है, वाओ वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर है नहीं, फोटो फ्रेम लगा हुआ और इसमें पेन भी चपका दिया है, ग्रेट आइडिया। राधा कृष्ण जी का फोटो है, चलिए इन्हीं के जन्मदिवस पर ना हम मनाते हैं टीचर्स डे, बहुत अच्छा है। इसको भी इसमें किसी में पैक होने वाला है, डिब्बा में था ना, ये डिब्बा में था, ये कहाँ पे था, खाली पैकिंग था, ये रख रही इसको, अच्छा रख ले रही देखा है, हम उधर देखते हैं। और देखते हैं ये है निधि कुमारी, क्लास 10th निधि कुमारी। और ये भी हमको लग गया है कि ये भी वही है, टीचर्स डे का ही फ्रेम लग रहा है हमको, होगा शायद। फिर भी खोलते हैं, खोलना तो पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, वैसा ही लग रहा है, वैसा ही है, सेम टू सेम है। इसमें लिखा हुआ कुछ अलग है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरी वन इंडियन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था और 17 अप्रैल 1975 में उनका डेथ हुआ था। तो ये डेट लिखा हुआ है, देखिए बहुत अच्छा है, निधि कुमारी गिफ्ट है, इसको भी रखिए। और आप तो दिखाते हैं, यह स्नेहा कुमारी,
रास्ते में देखिए ये भी पैकिंग बहुत मस्त लग रहा है देखने में, नहीं? Yes, sir. चल देखिए इसको देखते हैं। आप लोग पढ़िए, आप लोग टीचर बनिए तो आपको भी गिफ्ट मिलेगा, है ना? पढ़े हैं हम, मेहनत किए तब ना हमको गिफ्ट मिल रहा है, दे रहा है तो आप लोग पढ़िए तो आपको भी गिफ्ट मिलेगा बढ़िया सा। देखिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ बच्चे होती हैं। और इसमें उठाई तो क्या गिरा, पेन, पेन है और एक सुंदर सी डायरी है, डायरी है और ये क्या है, पेन है। इसमें हम कुछ नोट्स बनाएंगे लिखने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये गिफ्ट नहीं है, प्यार है बच्चों का शिक्षक के लिए, देखिए। और ये तब मिलता है ना जब मेहनत करता है इंसान, मेहनत करने का प्यार करके यही मिलता है, सम्मान प्यार। और आप देखिए सब बच्चा प्रणाम भी करता है और गिफ्ट भी देता है, कहीं ना कहीं प्यार होता है उनका। वो देखिए 2 रुपये का पेन हो या 2000 का गिफ्ट हो मतलब नहीं है, दिखता है प्यार कितना कर रहे हैं बच्चे। देखिए ये सारे ढेर सारे बच्चे जो प्यार कर रहे हैं टीचर से, समझते हैं एक शिक्षक जो है, ये एक छोटा सा उपहार है मेरे लिए। सबसे बड़ा उपहार होगा तब जब आप रिजल्ट लेकर आइएगा, नौकरी कीजिएगा, नौकरी के लिए वैकेंसी भरिएगा, जब आप जो उस मुकाम पे पहुंच जाइएगा, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा उस दिन होगा, सबसे बड़ा गिफ्ट जब आप पढ़ लिख के बहुत अच्छा इंसान बन जाइएगा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा, है ना। ये छोटा छोटा गिफ्ट है जो हर साल मिलता है, और एक बड़ा गिफ्ट होता है जो नौकरी लेते हैं आप या कुछ होता है तब जाके बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है हमको।